एक बहुत अजीब सा पॉइंट और मतलब जिसको बोलते हैं मजेदार पॉइंट हो सकता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तुम्हें इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फ्रेंड है वो तुम्हारा बहुत अच्छा भी कर सकते हैं और वो तुम्हारे साथ बहुत खराब भी कर सकते हैं, अनोइंगली और अनोइंगली. तो हमें ऐसे फ्रेंड से बचना चाहिए जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करता हो, ये ठीक है. हमें इसमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारे करियर का सवाल है. जो भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जिस भी तरह की तुम्हारी रैंक आ रही है, उससे तुम्हारे आगे जो प्रोफेशनल करियर 30-40 इयर्स का, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. ये मेरे दिमाग में अच्छी तरह बैठा होना चाहिए. फ्रेंड्स तो यू नेवर नो कि आज फ्रेंड है, अगले साल पता नहीं वो कहां हो, मैं कहां पे हूं. तो अगर कोई फ्रेंड तुम्हारे रूम में आगे बैठ जाता है और टाइम वेस्ट करता है और तुम हिचकिचाहट में उसे कुछ बोल नहीं रहे हो, तो दिस इज नॉट गुड. ये ठीक है, ये उसके लिए भी अच्छा नहीं, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं. तो इस बात में तुम्हें बहुत ब्लंट होना चाहिए और तुम्हें बोलना चाहिए कि चलो भाई अब हो गया हमारा माइंड फ्रेश, 5 मिनट हमने बात कर ली, लेट्स गेट बैक टू स्टडी. तो फ्रेंड्स जो बनते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तुम कितना भी ज्यादा मोटिवेटेड क्यों ना हो पढ़ने के लिए, बट वो कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा बहुत तो नीचे खींच ही लेंगे. तो इसलिए हम फ्रेंड्स अच्छे बनाए, जो पढ़ने वाले हैं वो बनाए जिससे फायदा हो रहा हो, ये ठीक है, एकेडमिकली फायदा हो रहा हो या जिससे मोटिवेशन मिला उससे बनाए. जो हमारा टाइम वेस्ट करे, जो हम किसी भी तरह का नेगेटिव चीज बोले, क्या फायदा इतने पढ़ने का, ये ठीक है, इतने पढ़ने के बाद भी बहुत उसका नहीं हुआ उसका नहीं हुआ. तो इस ऐसे फ्रेंड से, ऐसी नेगेटिविटी से बचें और उनको फ्रेंकली मेंशन कर दें कि यार अपन इस टेस्ट के बाद मिलते हैं, ये ठीक है, इस चीज में बिल्कुल कोताही ना बरतें, बिल्कुल शर्म ना करें, क्योंकि ये तुम्हारे करियर का सवाल है. तुम्हारे करियर का सवाल है तो तुम्हारे पेरेंट्स और जो भी तुम्हारे घर वाले हैं वो भी इससे अफेक्ट होंगे. तो आई वुड से के बी ब्लंट और अपने लिए ही सोचे. ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑसम.